हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी राठी और यहाँ हम मिलते हैं अपने एंटो की कंसेप्चुअल क्लास में। तो यहाँ हम एंटो के कंसेप्ट क्लियर करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके। और अगर अड्डा की ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो अड्डा की ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसमें आपको करंट अफेयर्स, क्विज, जॉब अलर्ट्स, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज और सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिलती है। सो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। करना क्या है, केवल अपना जो रिलेटेड एग्ज़ाम है वो आपको चूज़ करना है। उससे रिलेटेड एग्ज़ाम से सारी नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलेगी, डेली क्विज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन एट योर हैंड हो जाती है जो कि काफ़ी हैंडी है और काफ़ी यूज़फुल भी है। तो अभी तक अड्डा की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट से अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इंसेक्ट की वॉल पढ़ने वाले हैं। इंसेक्ट की वॉल का क्या मतलब है, यानी कि उसकी जो ऊपरी बाहरी स्किन है, जो वॉल फॉर्मेशन है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपने इंसेक्ट की वॉल के स्ट्रक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या हेड के टाइप्स जो है आपके इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो आज के क्लास में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इंसेक्ट की वॉल का स्ट्रक्चर करने वाले हैं प्लस इंसेक्ट के हेड मॉडिफिकेशंस को करने वाले हैं। चलिए, इंटेग्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट यानी कि बॉडी वॉल को इंटेग्यूमेंट कहते हैं। बॉडी वॉल को क्या कहा जाता है, बॉडी वॉल को इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। इंसेक्ट्स फॉर्म एन एक्सोस्केलेटन कवरिंग ऑफ द ऑन द इंसेक्ट बॉडी। तो आपका ये मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, जनरली जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। देखिए, स्केलेटन हम सभी में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी के अंडर प्रेजेंट होता है ना, हमारी हड्डियों का ढांचा जो हमें एक प्रॉपर शेप में मेंटेन रखता है, हमें मूव करने में हेल्प करता है। लेकिन इंसेक्ट्स में अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, बाहर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना हुआ होता है, हार्ड लेयर का बना हुआ होता है जो इंसेक्ट को शेप प्रोवाइड करता है, साथ साथ उसे प्रोटेक्शन का काम भी करता है। क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और हार्ड होता है तो ये इंसेक्ट को काफ़ी सारी पानी से, बारिश से और काफ़ी सारी चीज़ों से जो है बचाता है, चोट लगने से बचाता है। तो काफ़ी प्रोटेक्शन आपके इंसेक्ट को एक्सोस्केलेटन की वजह से मिलती है। तो इंटेग्यूमेंट जो है आपके ये तीन भागों में डिवाइड होती है, तीन लेयर्स में डिवाइड होती है। कौन सी हैं वो तीन लेयर, इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दूसरी मिडल एपिडर्मिस है और तीसरी क्यूटिकल है। ओके, तो इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं, मिडल एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस है या फिर क्यूटिकल लेयर है। तो ये तीन लेयर जो है आपके इंटेग्यूमेंट में प्रेजेंट होती है, यानी कि इंसेक्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है, राइट। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बेसल मेम्ब्रेन है जो कि एपिडर्मिस, यहाँ पर आपकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल सेल की बनी हुई होती है। ओके, तो आपके एपिडर्मिस, फिर आपकी आती है एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल। ये आपका क्यूटिकल लेयर है, बेसिकली जो ऊपर वाला लेयर है। क्यूटिकल लेयर अगेन आपकी तीन भागों में बटी हुई होती है, ये जो क्यूटिकल लेयर है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल में बना हुआ होता है। जो नीचे की मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ये आपकी इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो भी आपकी इंसेक्ट की मसल्स हैं वो इस इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही जो है जुड़ी हुई होती है। और आपकी एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड होती है और यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद क्यूटिकल डिपोजिशन शुरू होता है, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल।
आपके एपिक्यूटिकल्स में पोर्स होंगे और पोर्स में आपको सॉकेट्स नज़र आएंगे जिनमें सीटेई होता है। सीटेई क्या होते हैं? सीटेई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके एपिक्यूटिकल से जो है जन्म लेते हैं, है ना। और इनकी रूट्स जो है आपके एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होती है। तो ये आपके जो है इंसेक्ट वॉल का स्ट्रक्चर है। ओके, फिर हम बेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपकी बेसमेंट लेयर है ये आपकी जनरली डीजनरेटेड एपिडर्मल सेल से बनी हुई होती है, यानी कि ये भी एपिडर्मल सेल्स ही है, लेकिन जो एपिडर्मल सेल्स टाइम के साथ डीजनरेट हुए हैं उनसे आपकी बेसमेंट लेयर क्रिएट होती है। तो ये किसकी बनी होती है? ये डीजनरेटेड एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई होती है। अपीयर्स एज नॉन लिविंग एमॉर्फस, और ये जो है बिल्कुल शेपलेस होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग क्यों होगी? क्योंकि ये डीजनरेटेड सेल्स की बनी हुई होती है, तो नॉन लिविंग नेचर की होती है। आई एम सॉरी। तो उसके बाद ग्रैन्युलर लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट होगा, और वेयर मसल्स आर अटैच, यहाँ पर जो है क्या इसका मेजर पार्ट है कि इस पर मसल्स अटैच होती है एंड बिकम्स कंटिन्यू विद द सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स। तो यहाँ पर आपकी मसल्स अटैच होती है, इसीलिए इसको बेसमेंट लेयर बोला जाता है, राइट। उसके बाद एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस क्या होती है? इट इज़ अ यूनिसेल्युलर लेयर, ये यूनिसेल्युलर लेयर है, यानी कि एक सेल से बनी हुई होती है। ऑल द एपिडर्मल सेल्स आर ग्लैंडुलर, ये सारे जो आपके एपिडर्मल सेल्स हैं ग्लैंडुलर होते हैं। डिफरेंट स्किन पर जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट सिक्रीशन होते हैं, वो क्यूटिकल में कभी प्रेजेंट नहीं होते, वो एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं उनके सिक्रीशन आपके एपिडर्मिस से निकलते हैं। प्रोडक्शन एंड डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल अक्सर इससे होता है। तो इस तरीके के एंजाइम्स जो आपके ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करती है वो भी जो है एपिडर्मल सेल्स से निकलते हैं। थर्ड लेयर क्या है? थर्ड लेयर है आपकी क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर और थिक लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर है और थिक लेयर है। और जो है इसमें ये किससे सिक्रेट की जाती है, कैसे बनती है आपकी क्यूटिकल लेयर? एपिडर्मल लेयर ही आपकी क्यूटिकल लेयर बनाता है। तो बेसिकली एपिडर्मल लेयर ही तीनों लेयर बनाता है। जो डीजनरेटेड एपिथीलियम सेल्स होते हैं उससे बेसमेंट बनती है, फिर आपके एपिथीलियल सेल्स आते हैं जिनमें यूनिसेलुलर ये लेयर होती है, और इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनसे जो पुरानी क्यूटिकल है वो डाइजेस्ट होती है और नई क्यूटिकल बनती है। तो इस तरीके के एंजाइम्स और की प्रोडक्शन जो है आपकी एपिडर्मल सेल्स में होती है। फिर आपकी थर्ड लेयर होती है क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये भी एपिडर्मल सेल्स ही इसको बनाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन के ग्लैंड्स एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन लेयर आपकी जो है इंसेक्ट की तीन लेयर होती है। आपके जो इंटेग्यूमेंट है यानी कि इंसेक्ट की वॉल है, उसमें दो तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं, आउटग्रोथ्स एंड इन्वेजिनेशंस। आउटग्रोथ्स क्या होती है? आउटग्रोथ्स यानी कि स्किन से बाहर निकला हुआ हिस्सा। अगर आपके इंटेग्यूमेंट इस तरीके से जो निकली हुई है, जैसे आपकी सिटेई है, ये आपकी आउटग्रोथ में आती है, राइट। तो आपकी अपेंडेजेस जो हैं, जैसे एंटीना है, लेग्स हैं, ये भी आउटग्रोथ में ही आती हैं। और प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि जैसे आपका ये सिटेई है, ये इस तरीके की जो ग्रोथ होती है ये सभी जो है आपकी आउटग्रोथ्स होती हैं। इन्वेजिनेशन क्या होता है? जब स्किन के अंदर फोल्ड होने लगती है, इस तरीके से स्किन के अंदर फोल्ड होने लगती है, तो इसको इन्वेजिनेशंस कहते हैं। इन्वेजिनेशंस आपके दो टाइप की होती हैं, ये हॉलो भी हो सकती है, ये सॉलिड भी हो सकती है। हॉलो होगी तो इसे क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे, और सॉलिड होगी तो इसे क्या कहेंगे? एपोफाइसिस कहेंगे। तो इस तरीके से आपके इंटेग्यूमेंट की जो है बेसिकली चार मॉडिफिकेशंस होती हैं। दो आउटग्रोथ की मॉडिफिकेशंस होती है, जो अपेंडेजेस और प्रोसेसेस होते हैं। दो आपके इन्वेजिनेशन की मॉडिफिकेशन होती है, होलो हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, एपोडर्मिस एंड एपो
फाइसिस, तो ये आपके जो है मॉडिफिकेशंस हो सकती है इंटेग्यूमेंट में। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आपकी सिटे, सिटे जो मैंने आपको यहाँ पर पिछले डायग्राम में दिखाई थी, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलस या पिट से निकलते हैं, सॉकेट से निकलते हैं, और ये होलो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होते, ये अंदर से होलो होते हैं और डेवलप्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल, ये एक्सोक्यूटिकल की एक्सटेंशंस होती हैं। वहीं हम बात करें स्पर्स की, स्पर्स क्या होते हैं, स्पर्स आपके जो है लेग्स के ऊपर इंसेक्ट के मिलते हैं, लेग्स पर मिलते हैं एंड डिफरेंट फ्रॉम सिटिया इन बीइंग मल्टी सेलुलर, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन ये मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं, सिटेय जो है आपका वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है। तो केवल यही फ़र्क है, सिटेय और स्पर्स दोनों ही जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्पर्स आपके स्पेसिफिकली लेग्स पर प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। यहाँ आपकी जो सिटेई है ये कैसी है, ये होलो स्ट्रक्चर है और यूनिसेलुलर नेचर की प्रेजेंट होती है। फिर एक और आपकी आउटग्रोथ होती है स्पाइंस, स्पाइंस टफ होते हैं, हेयर जैसे सॉफ्ट नहीं होते, जिनको आपने कांटे देखे होंगे, है ना, प्लांट पे भी कांटे देखे होंगे, तो ये कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड होते हैं और ये जो है आपके क्यूटिकल की आउटग्रोथ से बनते हैं, दे आर मोर लाइक थ्रोन्स, तो ये जो है हार्ड होते हैं, ये इंसेक्ट को चुभाने में, पंचर करने में काम आते हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्पाइंस। तो ये तीन तरीके की आउटग्रोथ्स जो है आपको देखने को मिलेगी, सिटेई, स्पर और स्पाइंस। चलिए फिर इंसेक्ट में आती है मॉल्टिंग, मॉल्टिंग क्या होता है, मॉल्टिंग का मतलब ये है कि आपका जो इंसेक्ट है वो टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, है ना, अब क्योंकि ये बढ़ रहा है तो इसकी स्किन को बड़ा होना है, लेकिन एक्सोस्केलेटन जो है, एपिडर्मिस तो बड़ी हो रही है लेकिन एक्सोस्केलेटन हार्ड है, वो उतना का उतना उसको कन्फाइंड रखने की कोशिश में है, तो इस एक्सोस्केलेटन को जब आपका इंसेक्ट बढ़ता है तो ये एक्सोस्केलेटन टूट जाती है और खुल जाती है, इसमें क्रैक्स बनते हैं और नीचे नई एक्सोस्केलेटन बनती है, है ना, तो जब ये नीचे नई एक्सोस्केलेटन है ये कंप्लीट हो जाती है तो ऊपर वाली एक्सोस्केलेटन में क्रैक आते हैं और ये खुल जाती है और नया इंसेक्ट, नई स्किन के साथ जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट मॉल्टिंग करता रहता है और अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पूरी करता है, अपने साइज को बड़ा करता है, तो दिस इज़ मॉल्टिंग। एक बार यहाँ पर रीड कर लेते हैं, द इंसेक्ट क्यूटिकल इज हार्ड एंड फॉर्म्स अनस्ट्रेचेबल एक्सोस्केलेटन एंड इट मस्ट बी शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि ये अनस्ट्रेचेबल होती है एक्सोस्केलेटन, तो टाइम टू टाइम इसको शेड करना पड़ता है क्योंकि आपके इंसेक्ट को साइज करना, अपना बड़ा करना है, ग्रोथ करनी है, है ना, बिफोर ओल्ड क्यूटिकल इज शेड, ओल्ड क्यूटिकल शेड होने से पहले नई क्यूटिकल इसकी स्किन के नीचे पूरी बन चुकी होती है, तभी आपकी ओल्ड स्किन जो है वो शेड होती है, दिस इज योर मॉल्टिंग। तो यहाँ आप इंसेक्ट को देख रहे हैं, इसने अपनी पुरानी स्किन को यहाँ छोड़ दिया है और नई स्किन के साथ ये बाहर निकल गया है, दिस इज योर मॉल्टिंग। ओके, मॉल्टिंग में आपके जो है दो फेजेस होंगे, एपोलाइसिस एंड एक्टाइसिस। एपोलाइसिस में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन इज नोन एज एपोलाइसिस, यानी कि आपकी ओल्ड क्यूटिकल जो है डिसॉल्व होना शुरू होती है, डिग्रेड होना शुरू होती है और नई जो क्यूटिकल है वो बनना शुरू होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको एपोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एक्टाइसिस। एक्टाइसिस कब होता है, द स्टेज वेयर द इंसेक्ट हैज बोथ न्यूली फॉर्म्ड एपिकल लेयर एंड ओल्ड लेयर,
तो इसमें एक्डाइसिस के टाइम पर क्या हो रहा है, एक्डाइसिस के टाइम पर इसकी नई जो लेयर है, न्यू जो स्किन है, वो पूरी बन चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है और ओल्ड लेयर अभी तक हटी नहीं है। तो इस स्टेज पर, एक्डाइसिस स्टेज पर, इस पर दोनों ही लेयर चढ़ी हुई होती हैं, ओल्ड क्यूटिकल भी इंटैक्ट है और नई लेयर भी बन चुकी है। तो इस पर दोनों स्किन्स अभी तक चढ़ी हुई है क्योंकि पुरानी बनकर तैयार हो गई है और अभी जो सॉरी नई बनकर तैयार हो गई है, पुरानी अभी तक हटी नहीं है। तो इसमें दोनों ही लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इसको क्या कहा जाता है, इसको फेरेट इंस्टार कहा जाता है। इस स्टेज पे इसको क्या कहा जाता है, फेरेट इंस्टार कहा जाता है। तो फेरेट इंस्टार पर क्या होता है, दोनों ही लेयर्स प्रेजेंट होती है, ओल्ड क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है और न्यू क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। द एक्डाइसियल मैम्ब्रेन स्टार्ट स्प्लिटिंग अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस। फिर जो आपकी एक्डाइसियल मैम्ब्रेन है वो स्प्लिट होना शुरू होती है और कहाँ से स्प्लिट होना शुरू होती है, लाइन ऑफ वीकनेस से स्प्लिट होना शुरू होती है ड्यू टू मस्क्यूलर एक्टिविटी ऑफ द इनर डेवलपिंग इंसेक्ट। और क्यों होती है ये स्प्लिटिंग, क्योंकि आपका जो अंदर इंसेक्ट है वो मस्क्यूलर एक्टिविटी इस तरीके से करता है कि ऊपर की जो स्किन है उसमें जो है स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाती है। स्प्लिटिंग लाइन ऑफ वीकनेस से शुरू होती है। तो ये देखिए, ये आपकी जो है ये ऊपर की स्किन जो है यहाँ से स्प्लिट होना शुरू हो गई है। तो हर इंसेक्ट की अपनी लाइन ऑफ वीकनेस है, जनरली जो ऊपर ही प्रेजेंट होती है उससे जो है ये स्प्लिटिंग होना शुरू होती है। चलिए, तो उसके बाद आपका एक्डाइसिस हो गया, सबसे पहले एपोलाइसिस होगा, फिर एक्डाइसिस होगा, एक्डाइसिस के बाद स्क्लेरोटाइजेशन होगा, यानी कि आपका जो नया नया इंसेक्ट निकला है ना, धुला हुआ प्यारा प्यारा सा, उस पर स्क्लेरोटाइजेशन होगी आफ्टर शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। जब ओल्ड क्यूटिकल हट जाएगी, नई क्यूटिकल जब बाहर आती है तो ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, मिल्की वाइट होती है और धीरे धीरे जो है ये हार्ड और टफ और डार्क बनती चली जाती है। तो इसका स्क्लेरोटाइजेशन होता है। तो जब ये टफ बनती है, हार्ड बनती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। तो आपका जो इंसेक्ट नया नया निकला है उसकी जो क्यूटिकल है वो अभी बहुत सॉफ्ट है, नई है, तो इसकी हार्डनेस के लिए स्क्लेरोटाइजेशन किया जाता है ताकि इसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। राइट बच्चे, तो इन एंटोमोलॉजी इतनी भी हार्ड नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं, है ना। तो अच्छे से पढ़िए ताकि अच्छे से आपको जो है मार्क्स मिले एंटोमोलॉजी में और मैम खुश हो जाए। चलिए, तो फिर आपके कुछ हार्मोन्स भी हैं जो रोल प्ले करते हैं आपकी मॉल्टिंग में। कौन से हार्मोन्स हैं, जुवेनाइल हार्मोन है, मॉल्टिंग हार्मोन है और एक्लूजन हार्मोन है। ये तीन हार्मोन हैं जो आपके मॉल्टिंग में रोल प्ले करते हैं। जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा से जो है आपका जुवेनाइल हार्मोन निकलता है। ब्रेन दैट हेल्प्स द इंसेक्ट टू बी इन इमेच्योर स्टेज। तो ये जो है जुवेनाइल हार्मोन का मतलब है कि ये आपके इंसेक्ट को जवान रखने में हेल्प करेगा, जुवेनाइल फेज में रहने को हेल्प करेगा, इमेच्योर स्टेज में रहने को हेल्प करेगा। फिर आपका मॉल्टिंग हार्मोन होता है, जो मॉल्टिंग हार्मोन है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड से जो है सिक्रीट किया जाता है और ये मॉल्टिंग में काम आता है, यानी कि मॉल्टिंग को इंड्यूस करवाने का काम किसका होता है, मॉल्टिंग हार्मोन का होता है। उसके बाद एक्लोजन हार्मोन है, एक्लोजन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो आपके ब्रेन में है वहाँ से एक्लोजन हार्मोन रिलीज होता है और ये किस में हेल्प करता है, ये एक्डाइसिस में हेल्प करता है, यानी कि आपकी पुरानी लेयर जो ऊपर है और नई लेयर नीचे बन चुकी है, ऊपर पुरानी लेयर का डिग्रेडेशन करने में, उसको हटाने में और नए इंसेक्ट को बाहर आने में, एक्डाइसिस करने में काम आता है आपका एक्लोजन हार्मोन। तो ये आपके तीन तरीके के हार्मोन हैं जो मॉल्टिंग में काम आते हैं। उसके बाद आपके जो सेगमेंट्स आ जाती हैं, बॉडी सेगमेंट्स इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट की बॉडी जो है तीन मेजर भागों में बटी हुई होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड पे क्या होंगी, आपकी आईज और माउथ पार्ट्स जो है हेड पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में आपकी विंग्स और लेग्स प्रेजेंट होती है, सॉरी थोरैक्स पे आपकी विंग्स एंड लेग्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एब्डोमेन होती है जिनमें
बहुत सारी सेगमेंट होती है और लास्ट में इसमें ओविपॉजिटर्स प्रेजेंट होते हैं या जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स आपके अगेन तीन भागों में बांटी गई है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ओके, तो ये जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं? टैगमाटा। क्या कहते हैं? टैगमाटा। तो इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स और टैगमाटा। द ग्रुपिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट इज टू रीजन इज नॉन एज टैगमोसिस। तो ग्रुपिंग को क्या कहेंगे? टैगमोसिस कहेंगे। हेड आपका थोरैक्स और एब्डोमेन तीन भागों में ये बढ़ती है। एब्डोमेन में जो है लगभग 7 से 11 सेगमेंट्स होती हैं, जिनमें लास्ट जो है जेनाइटल अपेंडिजेस अगर प्रेजेंट होती हैं तो वो 8th और 9th सेगमेंट पर प्रेजेंट होती हैं, राइट? तो अपेंडिजेस सेगमेंट जो है सब में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर प्रेजेंट होती हैं तो 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। तो ये आपका है, जो है इंसेक्ट का स्ट्रक्चर है। जो ऊपरी भाग है ये आपका हेड है, बीच वाला भाग है जिसमें आपके विंग्स और लेग्स होती हैं ये थोरैक्स होता है, फिर आपका एब्डोमिनल होता है, यहाँ पीछे इसके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो है आपका इंसेक्ट हेड का इंसेक्ट सेगमेंटेशन का डायग्राम है। चले अब बात करते हैं इंसेक्ट हेड की। इंसेक्ट हेड इज हार्ड, हाईली स्क्लेरोनाइज्ड कॉम्पैक्ट सूचर। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको हार्ड और हाईली स्क्लेरोनाइज्ड रहता है। फॉरमोस्ट पार्ट इन द इंसेक्ट बॉडी, सबसे पहला पार्ट इंसेक्ट बॉडी में आपका हेड होगा एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट्स। 6 सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं दैट आर फोकस्ड टू फॉर्म अ हेड कैप्सूल, जिससे आपका हेड कैप्सूल बनता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंसेक्ट के हेड में कितने सेगमेंट्स हैं जिससे हेड जो है पूरा बनता है, तो इंसेक्ट के हेड में 6 सेगमेंट्स होती हैं जिनसे उसका पूरा हेड तैयार होता है। द हेड सेगमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 regions, प्रोसेफेलोन एंड गैनाथोसेफेलोन। तो इसको जो है जनरली ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, प्रोसेफेलोन एंड गैनाथोसेफेलोन। तो ये आपका इंसेक्ट का जो है हेड का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला जो बिल्कुल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं? इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद ये सामने वाला जो पार्ट है इसको ऑसिपुट कहा जाता है। जो उसके नीचे का पार्ट है इसको पोस्ट जीना कहा जाता है। उससे नीचे का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको ऑसिपिटल सूचर कहा जाता है और इसके नीचे ही ऑसिपिटल फोरामेन आता है। उसके नीचे पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट आएगी और यहाँ पर आपका हाइपोस्टोमल ब्रिज आएगा। तो ये आपका जो है हाइपोस्टोमल ब्रिज है। उसके बाद मैंडिबल्स एंड मैक्सिले आएगी। तो ये आपके जो है डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं। यहाँ पर हाइपोस्टोमल सूचर होता है, ये आपका हाइपोस्टोमल सूचर होता है और नीचे ये आपका लेबियम होता है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये आपका लैब्रम होता है। तो इन सभी जो आपके पार्ट्स हैं इनसे क्या बनता है? इनसे आपका हेड बनता है। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को वर्टेक्स कहते हैं, सामने वाले को ऑसिपुट कहते हैं, नीचे आपकी मैंडिबल्स, ये जो रेड वाले हैं ये मैंडिबल्स हैं, ब्लू वाले हैं ये मैक्सिला है, बीच वाला है ये लैबियम है। इसके ऊपर आपको जो है हाइपोस्टोमल ब्रिज मिलेगा और हाइपोस्टोमल ब्रिज के ऊपर हाइपोस्टोमल सूचर मिलेगा। तो उसके बाद ये आपकी ऑसिपिटल फोरामेन है और ऑसिपिटल फोरामेन के ऊपर ऑसिपिटल सूचर मिलेगा। तो ये आपका हेड का पूरा स्ट्रक्चर है। चलिए, तो हेड के अब टाइप्स पढ़ते हैं। हेड के कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहले आएगा हाइपोगनाथस। हाइपोगनाथस का मतलब क्या है? हाइपोगनाथस का मतलब है बिलो जॉ। तो हाइपो का मतलब होता है बिलो और गनाथस का मतलब होता है जॉ। तो विच इज बिलो द जॉ इज कॉल्ड हाइपोगनाथस। द हेड रिमेन्स वर्टिकल एंड राइट एंगल टू द लॉन्गर एक्सिस। आपके जो इंसेक्ट बॉडी है वो इस एक्सिस में है और आपका हेड जो है वो इस एक्सिस में है। तो ये जो है इससे 90° एंगल बनाता है, राइट? तो ये 90° एंगल बनाता है इंसेक्ट की बॉडी के साथ। माउथ पार्ट्स आर प्लेस्ड वर्टिकल एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। माउथ पार्ट जो है वर्टिकल प्लेस्ड होते हैं, डाउनवर्ड्स प्रोजेक्टेड होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज
ऑर्थोटेरॉइड टाइप भी इसे कहा जाता है. एग्जाम्पल क्या है? ग्रास होपर एंड कॉकरोच. ग्रास होपर एंड कॉकरोच जो है इसका एग्जाम्पल है. तो ग्रास होपर और कॉकरोच तो आप लोगों ने अपने घरों में बहुत देखे हैं. तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हाइपोगनाथस के एग्जाम्पल है, यानी कि इनका जो हेड है वो इनकी बॉडी से नीचे की तरफ वर्टिकल साइड में होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इसको हाइपोगनाथस बोला जाता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोगनाथस. प्रो का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट. एंड गनाथस हम कर चुके हैं जॉ. तो जो फ्रंट में होते हैं उसको प्रोगनाथस कहा जाता है. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका बिटल्स. बिटल्स इसका एग्जाम्पल है. तो यहाँ देखिए, ये प्रोगनाथस का एग्जाम्पल है. इसका जो माउथ पार्ट है वो सेम डायरेक्शन में है. इस डायरेक्शन में माउथ पार्ट है और इस डायरेक्शन में बॉडी है. तो उसके जो है बिल्कुल सेम लाइन में है, इसीलिए इसको प्रोगनाथस कहा जाता है, यानी कि फ्रंट जॉ में जो है ये काम करता है. दूसरा है ओपिस्थोगनाथस. ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड. देखिए, मतलब याद रखेंगे तो आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला माउथ पार्ट कैसा दिखता था. तो ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड. तो इसमें क्या है, माउथ पार्ट्स यहाँ पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और इसी तरफ आपकी बॉडी होती है. तो इसको कहते हैं ओपिस्थोगनाथस, जिनका माउथ पार्ट इस तरह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है. तो ओपिस्थोगनाथस जो है ये इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है बग्स. बग्स में इस तरीके के माउथ पार्ट देखे जाते हैं जो ओपिस्थोगनाथस टाइप के होते हैं, राइट? तो बहुत सिंपल है, याद रखना आपको, साथ साथ याद करना है. प्रो का मतलब फ्रंट होता है. फ्रंट का मतलब माउथ पार्ट सामने होंगे, सीधे होंगे, आपको दिख रहे होंगे, राइट? एग्जाम्पल है आपका बिटल्स. बिटल्स आपके एग्जाम्पल में आएंगे. ओपिस्थोगनाथस, ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, यानी कि माउथ पार्ट्स अंदर की तरफ मुड़े हुए होंगे. एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा बग्स. तो इसी तरीके से जो है आपको ये याद रखने हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है थोरैक्स, ठीक है? तो थोरैक्स में आपके कौन से हैं? मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स एंड थोरैक्स. तो ये थोरैक्स जो है आपकी, देखिए यहाँ इंसेक्ट में बिल्कुल क्लियरली दिखाया है, आपकी जो है प्रोथोरैक्स है, जो सबसे पहली सेगमेंट होती है उसे प्रोथोरैक्स कहा जाता है. दूसरी मीजोथोरैक्स होती है जो बीच में होती है. तीसरी मेटाथोरैक्स होती है जो लास्ट में होती है, ठीक है? तो आपके जो लेग्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? लेग्स आपकी प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में प्रेजेंट होती है. वहीं विंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं? विंग्स आपके मीजो और मेटा में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड में प्रेजेंट होती हैं. तो ये आपके जो है थोरैक्स की सेगमेंटेशन है. लेग्स आपके फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट में प्रेजेंट होती है. विंग्स आपके सेकेंड और थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, सॉरी, लेग्स आपकी तीनों सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं और विंग्स आपके केवल दो सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं. प्रोथोरैक्स में प्रेजेंट नहीं होते, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं. लेग्स आपके तीनों सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है? क्योंकि थ्री पेयर्स ऑफ लेग होती हैं, थ्री ही हमारी सेगमेंट है, यानी कि एक सेगमेंट से एक पेयर हमेशा लेग का निकलेगा. और विंग्स आपके टू पेयर्स होते हैं, तो ये आपके मीजो और मेटाथोरैक्स में होते हैं, प्रोथोरैक्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट? तो मीजोथोरिक्स मेटाथोरिक्स जो है आपकी जो टुगेदर, इनको टेरोथोरिक्स कहा जाता है. मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स को टुगेदर क्या कहा जाता है? टेरोथोरिक्स कहा जाता है. स्क्लेराइट ऑफ डोर्सल रीजन ऑफ थोरैक्स इज टर्गम. जो ऊपर का रीजन होता है, डोर्सल रीजन होता है, उसको टर्गम कहते हैं. और नोटम इज द केस ऑफ विंग्ड इंसेक्ट. और नोटम कहते हैं इन केस ऑफ विंग्ड इंसेक्ट, जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं. वेंट्रल रीजन को क्या कहा जाता है? वेंट्रल रीजन को स्टर्नम कहा जाता है. लेटरल रीजन को प्लूरॉन कहा जाता है. तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है टर्गम. लेकिन अगर विंग्ड इंसेक्ट है तो बोलेंगे नॉटम.
जो नीचे की तरफ हिस्सा है, ग्राउंड की तरफ हिस्सा है, इसको बोलेंगे स्टर्नम, इसको बोलेंगे स्टर्नम। और जो लेटरल साइड वाला हिस्सा है, ये साइड वाला हिस्सा जो होता है, इस साइड वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इस साइड वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इस साइड वाले हिस्से को बोलेंगे प्लूरॉन, इस साइड वाले हिस्से को बोलेंगे प्लूरॉन। तो ये आपके जो है तीनों साइड्स के नाम होते हैं। ऊपर वाली का नाम होता है नोटम, नीचे वाली का होता है स्टर्नम, और साइड या लेटरल साइड का जो है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है प्लूरॉन। तो ये तीनों आपके जो थोरैक्स है उसके जो ऊपर नीचे और साइड वाले हिस्से हैं इंसेक्ट के, उसका नाम होता है। ठीक है, तो आपकी थोरैक्स भी हो गई है। अब एब्डोमेन की तरफ चलते हैं। एब्डोमेन में क्या है, एब्डोमेन फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, ये आपका पीछे का पार्ट जो है बनाता है। लास्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं, टेल्सन कहते हैं, है ना, लास्ट सेगमेंट को टेल्सन कहते हैं, क्योंकि टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो टेल्सन का मतलब क्या है, लास्ट में टेल होती है, तो इसको टेल्सन कहते हैं। और आपका प्रोट्यूरो का मैंने आपको फोटो दिखाया था क्लासिफिकेशन में, उसमें लास्ट के सेगमेंट्स जो हैं बिल्कुल इस तरीके से थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और टेल लाइक जो है स्ट्रक्चर बनता है। आगे जो है ये इंसेक्ट है, तो ये लास्ट सेगमेंट्स इस तरीके से बहुत थिन हो जाती हैं, इसीलिए इसको टेल्सन कहते हैं, क्योंकि ये टेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। एब्डोमिनल सेगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल ग्लैंड्स, इनमें जो आपके एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं इन्हीं में ट्रैकियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इमेच्योर फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ट्रैकियल गिल्स जो हैं आपके हमेशा इमेच्योर स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं, मेच्योर स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इमेच्योर स्टेज में आपके ट्रैकियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ट्राइकोप्टेरेंस में और मे फ्लाइज और मस्किटोज में ये देखने को मिलते हैं। तो ट्रैकियल गिल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपके जो इंसेक्ट है ये पहले एक्वेटिक नेचर के ही थे, यानी कि पहले ये पानी में ही रहते थे, बाद में इन्होंने धरती पर रहना शुरू किया है, इसकी वजह से इनमें गिल्स देखने को मिलते हैं फॉर रेस्पिरेशन इन इमेच्योर स्टेज। इमेच्योर स्टेज में अगर आप देखेंगे तो इनमें गिल्स देखने को मिलते हैं। जो आपका एब्डोमिन है उसमें सेगमेंट्स टेलीस्कोप इन ईच अदर टू फॉर्म द स्यूडो ओविपोजिटर, इनमें जो है स्यूडो ओविपोजिटर्स प्रेजेंट होते हैं डिप्टेरा में। ओके, तो याद रखिएगा स्यूडो ओविपोजिटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिप्टेरा में प्रेजेंट होते हैं। ओविपोजिटर्स क्या होते हैं, ओविपोजिटर आपका एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे आपका इंसेक्ट एग्स ले करता है। तो एग लेइंग का बेसिकली एक ऑर्गन है, और वो जो है आपके लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, राइट। तो डिप्टेरा में स्यूडो ओविपोजिटर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके कुछ लास्ट की सेगमेंट्स मॉडिफाई करके बनाती हैं। एक और टर्म होती है प्रोपोडियम। प्रोपोडियम क्या होता है, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो लास्ट थोरेसिक सेगमेंट के साथ मिलकर बनाती है। तो आपकी लास्ट थोरेसिक सेगमेंट क्या है, मेटाथोरिक्स। मेटाथोरिक्स और एब्डोमिन की फर्स्ट जो आपकी सेगमेंट होगी वो जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएंगी, कंबाइन हो जाती हैं, और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्रोपोडियम कहते हैं, प्रोपोडियम। Whereas second abdominal segment forms the narrow pedicle or petiolate followed by enlarged gaster. Second जो है तो बहुत ही narrow pedicle बनाती है, और उसके बाद काफ़ी enlarged segment present होती है जिसको gaster कहते हैं, यानी कि चौड़ी segment एकदम से आ जाती है। तो ये insect देखिए यहाँ पर बिल्कुल narrow हो गया, और यहाँ से एकदम से जो है चौड़ा हो गया है। तो ये आपकी gaster होती है, जो यहाँ first segment होगी वो gaster होगी और चौड़ी होगी। और इस तरीके की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो किस में मिलता है, हिम्नोप्टेरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एब्डोमेन में क्या क्या होती है, लास्ट में इसमें ओविपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, स्यूडो ओविपोजिशन देखने को मिलते हैं डिप्टेरा ऑर्डर में।
आपके जो थोरैक्स के लास्ट सेगमेंट है और एब्डोमिन की फर्स्ट सेगमेंट है, वो जॉइन करके क्या बनाती हैं, वो प्रोपोडियम बनाती हैं, और उसके बाद ये नैरो सेकंड जो है बहुत नैरो पेडिसल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और थर्ड एकदम से काफ़ी चौड़ी सेगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको गैस्टर कहा जाता है। तो ये जो है आपके हिम्नोप्ट्रा में प्रेजेंट होती है। हिम्नोप्ट्रा ऑर्डर में कौन कौन आते हैं, बीज एंड वास्प आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपके हिम्नोप्ट्रा ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। चलिए, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया है। हमने इंसेक्ट की वॉल पढ़ी है, उसमें तीन लेयर हैं, बेसमेंट लेयर है, आपकी एपिडर्मल लेयर है और क्यूटिकल लेयर है। क्यूटिकल लेयर हार्ड होती है, थिक होती है, एपिडर्मल यूनिसेल्युलर होती है, बेसमेंट डीजनरेटेड सेल से बनी हुई होती है। जो भी आपकी ग्लैंड वाली चीज़ें हैं, एंजाइम्स वाली चीज़ें हैं, वो सभी आपकी एपिथीलियल लेयर में बनी हुई होती हैं। फिर आपकी इंसेक्ट की सेगमेंटेशन आती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती हैं। हेड की मॉडिफिकेशंस हमने देखी, प्रो गेनाथस भी हो सकती है, ओपिस्थो गेनाथस भी हो सकती है, यानी कि फ्रंट में भी दिख सकता है, और आपका हाइपोगेनाथस भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो एंगल वाइज बॉडी एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसके हिसाब से आपकी जो है हेड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद थोरैसिक सेगमेंट्स देखी हैं, जिसमें मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स, प्रोथोरिक्स आती हैं। लेग्स आपकी तीनों ही सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, तीन पेयर ऑफ लेग हैं, हर सेगमेंट से एक पेयर निकल कर आता है। लेकिन विंग्स आपके मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोथोरिक्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन एब्डोमिनल सेगमेंट्स पड़ी हैं, जिनमें ट्रैकियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओविपोजिशन प्रेजेंट होता है, प्रोपोडियम बनता है या गैस्टर बनता है। तो ये सारे जो है आज हमने सेगमेंटेशन भी कंप्लीट किया है, इंसेक्ट की वॉल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया है, हेड की मॉडिफिकेशंस भी हमने देखी है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे कुछ और नई क्लासेस के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। और आज भैया आपका बुक डे है, यानी कि वर्ल्ड बुक डे आपका मनाया जा रहा है अड्डा की तरफ से। तो आप भी जो है अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अड्डा आपको ऑफ दे रहा है 22% का सभी बुक्स पर। जितने भी बुक्स, टेस्ट सीरीज़ जो भी आप लेना चाहें, आपकी जैसे इफ़को की टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप ले सकते हैं, आपके इफ़को का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इफ़को की टेस्ट सीरीज़ आपको जो है वैसे उसका रियल प्राइस 300 रुपीज़ है, और इस पर आपको 22% ऑफ मिलने वाला है आज, अगर आप कोड यूज़ करते हैं S यूज़ करना है, क्योंकि ये बुक है, टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें आपको हमेशा S कोड यूज़ करना है, राइट। Y448S यूज़ करेंगे तो आपको सभी बुक्स पर जो है 22% का डिस्काउंट मिलेगा, सभी टेस्ट सीरीज़ पर 22% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इफ़को का एग्ज़ाम तो भैया आपके बहुत पास है, फटाफट से अपनी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपका सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा, कितना आपको पीछे का रिमेंबर है। कोड यूज़ करना मत भूल लीजिएगा, Y448 कोड को यूज़ करना है। और एग्रीकल्चर महापैक पर भी आज ऑफ़र है, जी हाँ, स्पेशल ऑफ़र आप सभी लोगों के लिए जो कि रिटेन करवाया है स्पेशली आपके लिए, कि भैया हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इनके लिए ऑफ़र थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। तो आपके लिए स्पेशली ऑफ़र एक्सटेंड हुआ है, आज भी आप अगर कोड लगाकर जो है इसको ख़रीदेंगे तो आपको 80% का ऑफ मिलेगा, 80% का बड़ा डिस्काउंट आपको अड्डा से मिल रहा है। ऑफर लिमिटेड समय तक था, कल के लिए था, लेकिन आज भी जो है आपको 80% ऑफ मिल रहा है, हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के लिए एक्सटेंड करवाया है, तो डू हैव इट। और जो है इसके साथ साथ डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि एक साल के साथ एक साल बिल्कुल फ्री मिल रहा है, दो साल के लिए आपको सारे ही प्रोडक्ट जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो फ्रीली अवेलेबल होंगे, है ना। तो ये सारे जो आप प्रोडक्ट साइड में देख रहे
हैं, चाहे वो राजस्थान JET है, इफ्को है, नबार्ड है, IBPS SO है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आपको अलग अलग परचेज नहीं करने हैं, ये सभी इसमें आपको एक्सेस मिलेगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियो रिकॉर्ड्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी। तो काफ़ी कुछ कंटेंट आपको इसमें मिलता है एग्रीकल्चर महापैक में, राइट। तो इसमें भी आपको कोड सेम यूज़ करना है, Y448 यूज़ करना है, लेकिन S की जगह A को यूज़ करना है। तो आपको 80% का इस पर डिस्काउंट मिलेगा, प्लस डबल इसकी वैलिडिटी मिलेगी। तो सोने पे सुहागा वाली बात है। अपनी स्टडीज़ को और भी मजबूत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कीजिए, और यू कैन हैव द महापैक फ्रॉम एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो आप पहले वेबसाइट पर जाएंगे अड्डा 24/7 पर, वहाँ पर आप एग्रीकल्चर सर्च करेंगे, एग्रीकल्चर में व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे, तो आपको ये एग्रीकल्चर का महापैक दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने कुछ और नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you.